हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं तोड़ा अपना आरबीर, वेलकम टू म्यूजिक इन शॉर्ट। सो अभी तक हमने बेसिक एफएल स्टूडियो को हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने लेक्चर 1 से लेकर 7 तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के क्या क्या बेसिक इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए वो सब हमने कवर कर लिया है। और वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसके अंदर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि किस तरह एफएल स्टूडियो वर्क करता है, क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस हैं और कैसे कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। वो बेसिक है, उसके बाद में आपकी खुद की क्रिएटिविटी है जो आपको आगे पहुंचाएगी। अभी अभी से क्या हम लोग नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर कि अभी छोटे छोटे टिप्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस होंगे ये, और जिसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको डायरेक्टली वो उसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ओके, सो आज ये हमारा पहला वीडियो है, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि मतलब किस तरह हम अपने लैपटॉप को या पीसी को किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। कोई अपना कोई किसी को दिक्कत होती है कि मेरा ये चल नहीं रहा है, ये हो रहा है मेरे को, मेरा बहुत पुराना प्रोसेसर है, मेरा ये है, तो वो सब हम किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को किस तरह अपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको इजीली स्मूथली हम रन कर सकते हैं। सो अभी क्या मैंने ये डेमो प्रोजेक्ट लिया हुआ है, एफएल स्टूडियो के अंदर डेमो सॉन्ग होता है तो वो है ये। मैं आपको सुनाऊंगा अभी किस तरह आवाज़ मतलब जो क्रैक कर रही है, किस तरह आप सीपीयू ऊपर लोड पड़ रहा है। ये यहाँ पे देखा सीपीयू लोड बताता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेमोरी दिखाता है, मतलब रैम के बारे में बताता है। सो अभी ये 17 18 दिखा रहा है स्टैंड पे, और 664 MB दिखा रहा है इस पे। सो मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा सा सुनते हैं हम लोग किस तरह ये प्रोजेक्ट साउंड कर रहा है। ठीक है, ये पूरा 100 तक चला गया, देखो 97 चला गया, 100 जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोड कर रहा है। और ये हमको आवाज़ क्रैक कर रही, कर 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 से आवाज़ कर रही है अपने को, इसका मतलब क्या, बहुत ही हैवी यूसेज हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो बहुत हैवीली चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है इसीलिए। और बहुत सारा ऑटोनोमेशन क्लिप्स बना रखी हैं यहाँ पे, लूप्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखो तो। सो इसकी वजह से क्या है, उस पर लोड पड़ता है और ये फिर ऐसा साउंड करता है। तो हम किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं। सो बेसिक मैं चार चीज़ें बताऊंगा आपको, मैं चार या पांच चीज़ें बताऊंगा जो आप सेटिंग्स करोगे तो आपको कंफर्टेबली मतलब आप इसको स्मूथ रन कर पाओगे। एक बार फिर सुन लेते हैं कैसे अभी आवाज़ कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, ऑडियो सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और ये बफर लेंथ है हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट 512 आता है, मतलब 512 आता है, तो इसको हम मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया हमारा। अब जैसे हमने इसको मैक्सिमम किया, देखें यहाँ पे लिखा 1916 हो गया। अभी जैसे हम इसको कम करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जितना था उतना करेंगे, तो कितना आएगा इस पे, 17 दिखा रहा है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको कम लोड करेगा आपके पीसी ऊपर, ये कम करेगा। ठीक है, सो ये हमने डाउन कर दिया। अब एक बार हम सुनते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। अभी भी हमारा कर रहा है, बट थोड़ा कम हुआ। ठीक है, ओके, सो अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दोबारा ऑप्शन में चलेंगे, हम ऑडियो सेटिंग्स अंदर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो दो दे रखे हैं हमको, ऑप्शन दे रखे हैं, मिक्स इन बफर स्विच है, इसको हम ऑन कर देंगे, और ट्रिपल बफर कर देंगे हम लोग, इसको भी ऑन कर देंगे हम। ओके, और उसमें प्रायोरिटी यहाँ पे दे रखा है हमको, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब किसको उसको प्रायर देना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इसमें हम लोग इस जो एफएल स्टूडियोज़ को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे दे देते हैं, कि मतलब सबसे ज़्यादा हम इसी में काम कर रहे हैं तो इसी को फोकस करना है, हमने ये बता दिया उसको। ओके, सो अभी हम देखते हैं क्या होता है हमारा। सो अभी भी कर रहा है हमारा, लैग कर रहा है, बट काफ़ी कम हुआ, 94 पहुंच गया। ठीक है, पहले जहाँ 98 जा रहा था उससे काफ़ी कम हुआ है अपने को। उसके बाद में अभी और हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा हम चलेंगे ऑडियो सेटिंग्स के अंदर। इससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं, अभी जो सेटिंग करने वाला हूँ उसके अंदर क्या इफेक्ट होने वाला है तो वो भी बताता हूँ मैं। अभी हम इसको जूम करेंगे तो देखेंगे हम बहुत डिटेल तक हम जा पा रहे हैं, अंदर जूम कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ऑटोनोमेशन क्लिप जैसे ये है हमारे पास है, इसको हम बहुत ही बारीकी तक हम देख पा रहे हैं। ठीक ना, ये कर्व बन रहा है ना, ये बहुत बारीकी से बन रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इतना जूम कर पा रहे हैं। तो अभी हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे, अच्छा ओके, प्रोजेक्ट में जाएंगे, और जो ये टाइम टाइम बेस्ड पीपीक्यू है इसको हम लोग क्या 24 पे कर देंगे। ठीक है,
यस कर देंगे। अब ये 14 था, अभी 12 हो गया ये, तो ये क्या इसने मतलब शॉर्ट कर दिया अभी, मतलब पहले हर एक बार को वो एकदम डिटेल से रीड कर रहा था, हर एक चीज़ को डिटेल से रीड कर रहा था, अब क्या वो इतना हर एक चीज़ को इतना नहीं करेगा और ऊपर ऊपर से ही प्ले करेगा, हालांकि कोई असर नहीं करेगा, बट ये कि अपने पीसी भी कम लोड पड़ेगा। सो अभी जा रहा है हमारा मैक्सिमम जा रहा है 788 जा रहा है अभी, ठीक है, तो कहाँ 98 जा रहा था, अभी हमारा 88 जा रहा है, काफ़ी हमारा कम हो गया है। और जो आवाज़ भी आ रही थी वो भी हमारी एकदम कम हो गई है, ठीक है। ओके अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग जाएंगे टूल्स के अंदर, मार्कोस के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास दे रखा है यहाँ पे स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन्स, ये हम करेंगे। इससे क्या होता है कि मतलब जब तक हमारा प्लगइन यूज़ में नहीं आ रहा, मत समझ, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमारा गिटार, यहाँ पे समझ लीजिए हम, ठीक ना। सो जब तक हमारा क्या है, यहाँ तक जब तक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो रहा तब तक क्या है वो प्लगइन यूज़ में नहीं आएगा अपना, वो स्लीप मोड में रहेगा, जैसे ही हमारा यहाँ आएगा वैसे ही वो एक्टिव होगा, तो उसी टाइम वो पावर कंज्यूम करेगा। तो ये हम कर सकते हैं, एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ मान लीजिए हमारा ये पैड्स VST यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर हमने हमारे पास है ये पैड्स हैं वो है सिट्रस के, तो सपोज़ ये बहुत ही ज़्यादा हमारा लोड ले रहा है PCs की वजह से, बहुत ज़्यादा हमारे को दिक्कत दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैड्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्विक रेंडर एज ऑडियो क्लिप, मतलब हम इसको ऑडियो क्लिप में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो प्लगइन हम उसको डिलीट कर सकते हैं और सेम चीज़ ही हमारी रहेगी, कुछ है फ़र्क नहीं होगा, और हमारा पीसी को क्या कम लोड लेगा, तो इससे भी हम अपने बहुत सारी चीज़ें क्या है जिससे हम ना अपने पीसी को बचा सकते हैं, उसकी पावर बचा सकते हैं, और हम और भी चीज़ें उसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा आगे पैड्स हो गया, हमने लगा के देखा, सेम चीज है, अभी देखिए कितना है 57 दिखा रहा है हमारा, 45-57 दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ऑडियो क्लिप को प्ले करके देखते हैं, सो कितना हमारा कम लोड ले रहा है वो। तो वैसे ही हम करके क्या, जितने अपने जो VSTs वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हम जो बजा रहे हैं हम लोग, उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑडियो फाइल के अंदर, उसके बाद अपना जैसा हम लोग म्यूज़िक बना रहे हैं वो अपना बनाएंगे। सो स्टार्टिंग में हम ये अपना इंस्ट्रूमेंट बना के अपना क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में जब हमें फाइनल हो गया कि हमें यही रखना है, तो उसको हम ऑडियो कन्वर्ट करके ताकि कम लोड हमारा ले सिस्टम, और इस तरह हम अपना कर सकते हैं। सो बेसिक तो ये था। सो इस तरह हम लोग काफ़ी तरह से अपने CPU की जो पावर हम बचा सकते हैं, और भी हैवी हम प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये नहीं है कि हमारे पास i3 है तो हम लोग, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास i3 है तो हमको ज़्यादा हायर चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास लो है, अभी बजट कम है, आप खर्च नहीं कर सकते, तो उसमें भी आप ना निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। सो इस तरह हम लोग अपना कम कर सकते हैं, और भी आगे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं, और सारी जो वीडियोज़ हैं सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। सो कोई क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेरी सॉल्व करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है music in short rbir, आप फॉलो कर सकते हो, और आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसमें मैं ऐड करता रहूंगा हर वीकली, या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें ऐड करता रहूंगा। सो थैंक यू।